moments later. नीले नीले अंबर ऊपर चा few moments later. तो गाइस अगर आप इस पे हिंदी सॉन्ग सुनो ओल्ड तो गाइस आपको मजा ही आ जाएगा और आपको इस पे हिंदी सॉन्ग चला के दिखाते हैं एक थोड़ा सा चला के दिखाएंगे नहीं तो फिर कॉपीराइट आ जाएगा. ठीक है जी थोड़ा सा प्ले मैंने करके दिखाया. few moments later. तो हेलो गाइस आपका फिर से स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल स्पीकर बाबा में. तो आज हम आपके लिए लेके आए एक बोस कंपनी के स्पीकर्स मॉडल 31 के. ठीक है जी बोस के मॉडल 31 स्पीकर्स लेके आए हैं. काफ़ी शानदार आवाज़ है और विंटेज मॉडल है और साउंड गाइस बहुत ज़बरदस्त है और मेड इन यूएस से कम ये स्पीकर आया आज हमारे पास. तो ये देख लीजिए कंडीशन. तो जी कंडीशन काफ़ी साफ सुथरी है. ऊपर से देख लीजिए. ठीक है जी और साइड से देख लीजिए पूरे ओरिजिनल स्पीकर आए पड़े हैं. और पीछे से दिखाते हैं एक बारी आपको. तो जी ये देख लीजिए पीछे से भी बिल्कुल ओके रिपोर्ट है. और ये देख लीजिए यहाँ पे बोस की ब्रांडिंग सिर्फ बोस ने यहाँ पीछे ब्रांडिंग दे रखी है इस मॉडल में. और ये लिखा पड़ा है बोस मॉडल 31 स्पीकर सिस्टम रिकमेंडेड एम्प पावर 10 वो वगटा करके 90 वाट्स. ठीक है जी जो इन्होंने एम्पलीफायर दे रखा है जो कहते हैं कि इस मॉडल के साथ इतने वाट्स का लगना चाहिए. ठीक है और इम्पीडेंस 4-8 ओम्स. ठीक है एन अकोस्टिक कपल. ठीक है जी डिज़ाइन मैक्स ये सब कुछ लिख रखा है 70 वाट लिख रखा है गाइस इधर. और ये देख लीजिए बोस के ये मेड इन यूएसए पे बने हुए हैं. ठीक है जी और बाकी आपको बताइए यूएसए पे जो चीज़ बनाई जाती है वो काफ़ी बढ़िया तरीके से बनाई जाती है. तो आपको दिखा दिए पीछे से भी कैसे लग रहे हैं ये ज़रूर कमेंट करके बताना गाइस. और यहाँ आप इधर प्लस और माइनस पे तार लगा के अपने एम्पलीफायर पर लगा सकते हैं. ठीक है जी बस पीछे से ऐसा है दोनों की जाली साफ सुथरी है. ठीक है कंडीशन जिस हिसाब से विंटेज में है इतने पुराने मॉडल में है तो उस हिसाब से कंडीशन गाइस बिल्कुल ओके रिपोर्ट है. ठीक है और एक बारी जाली हटा के आपको आगे से शक्ल दिखाते हैं इसकी. देख लीजिए जालियां उतार दी है दोनों. और अब आपको स्पीकर्स की कंडीशन दिखाते हैं बिल्कुल ओके रिपोर्ट. ठीक है जी बाकी ये वाइट पर्दा है तो यार गाइस मिट्टी तो आई जाती है क्योंकि इतने पुराने स्पीकर्स हैं मिट्टी तो आई जाती है यार आपको बताइए हमारा. ठीक है और ये देख लीजिए ट्विटर बिल्कुल ओके रिपोर्ट. ठीक है फुली ओरिजिनल टनाटन. ठीक है जी और ये देख लीजिए गैस इस पे पैरी भी देखो किस तरीके से की लगी हुई है काफ़ी कमाल तरीके की लगा के बनाते हैं बॉस वाले. और इसका जो ट्विटर है इसकी भी बहुत अच्छी क्वालिटी है. मैंने साउंड सुना है तो गैस साउंड तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है. और बड़े में इसके साउंड में तो भैया गैस मैं इसका दीवाना हो गया. और अभी आपको भी साउंड चला के दिखाएंगे. इससे पहले यह गैस इंची टेप ले गया हुआ आपको इंची टेप से नाप के दिखाता हूँ. ये जो बनाते हैं बोस वाले ये अलग ही साइज़ में बनाते हैं 8 इंच 8.5 इंच अलग तरीके के स्पीकर बनाते हैं ये. इनके ज़्यादा इंच में ही होते हैं जैसे हमारे यहाँ तो होते हैं कि अपना बना दिया 8 इंच 7 इंच 5 इंच जो भी होता है. और ये बनाते हैं 8.5 इंच. ठीक है जी ये देख लीजिए स्पीकर बना रखा है इनने. ये अंदर से ही नापा जाएगा तो ये देख लीजिए 8.5 इंच. ठीक है ये यहाँ तक कैसा है इसका लोहा जो कसा जाता है फिर उसके ऊपर मेरे हिसाब से ये लगा रखा है. तो ये देख लीजिए 8.5 इंच से थोड़ा सा बड़ा आ रहा है ऐसे. बाकी आप अपना अंदर से देख सकते हैं. ठीक है मैंने आपको दिखा दिया 8 इंच से जो भी है. ठीक है और ये देख लीजिए कंडीशन बिल्कुल ओके रिपोर्ट. पीछे से दिखा दिया आपको मॉडल नंबर बता दिया है. ठीक है सब कुछ बता दिया आप गाइस. फटाफट से आपका इसका साउंड चला के दिखाते हैं जिससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि इसका साउंड कैसा है. तो फटाफट से गाइस इसका सेटअप करते हैं और आपको इसका साउंड चला के दिखाते हैं. और गाइस अभी अभी एक बात याद आई कई कस्टमर्स कहते हैं कि इसकी हाइट भी बताया करें. ठीक है तो ये हाइट भी देख लो स्पीकर बॉक्स की.
तो जी ये जालियां ना गिर जाए उधर नीचे। ठीक है भाई, ये और नापना पड़ेगा भाई, 18 के करीब तक आ रहा है ये। ठीक है, और सामने से बड़े बड़े हैं ये, अभी आपको वीडियोस में छोटा वाला साइज लग रहा होगा, वैसे काफ़ी बड़ा साइज है। ठीक है, ये बाकी आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो। ठीक है, ये जैसे ऐसे आ रहा है, बाकी मैंने कैमरा भी पकड़ रखा है। और गाइस आपको इंची टेप से भी नाप नाप के दिखा रहा हूँ, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाता है, पर कोई बात नहीं, मैंने आपको दिखा दिया। तब गाइस फटाफट से सेटअप करते हैं, आपको इसका प्यारा सा साउंड चला के दिखाते हैं। ठीक है, तो फटाफट से दिखाते हैं। तो गाइस ये देख लीजिए, हमने इसका सेटअप कर लिया और अब आपको इसका साउंड चला के दिखाएगा। ठीक है जी, तो फटाफट से एनसीएस सॉन्ग लगाते हैं और आपको साउंड चला के दिखाते हैं। तो जी एनसीएस सॉन्ग इसमें आपको परफॉर्मेंस देखिए पता लगेगी इसकी। क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, स्पीकर काफ़ी कम मिल रहा है और आवाज़ काफ़ी तेज आ रही है। तो गैस एम्पलीफायर से मैंने आवाज़ बंद कर दी, और गैस जो इंग्लिश गाने पे भी इसका साउंड आया वो भी काफ़ी लाजवाब साउंड आया, काफ़ी साउंड में दम है और काफ़ी अच्छी क्वालिटी निकाल रहा है ये। और अगर आप ओल्ड सॉन्ग भी सुनोगे तो आपको अलग ही पता लगेगा, जो आवाज़ आपको सुनी भी नहीं होगी आपने वो भी आपको सुनाई देगी कि यार इस सॉन्ग में ऐसे भी गाने थे। ठीक है, तो काफ़ी अच्छी अच्छी ट्वीन्स भी पता लगेगी कि ये गाने में ये ट्वीन्स भी थी, तो वो आपको निकाल के दिखाएगा ये। ठीक है जी, और काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। ठीक है, और किसी ने कहे जैसे परचेज़ करना हो तो हमसे परचेज़ कर सकता है। ठीक है, और मॉडल हम आपको बता देते हैं, तो मॉडल है ये बोस का 31 स्पीकर सिस्टम। ठीक है जी,
और मेड इन यूएसए पे मैंने पढ़ाया है। और किसी ने भी परचेज करना हो तो हमसे कॉन्टैक्ट कर सकता है गाइस। और कॉन्टैक्ट नंबर हम आपको बता रहे हैं, कॉन्टैक्ट नंबर हमारा है 9310741161। ठीक है, और आपको इसका प्राइस भी बता देते हैं। इसका प्राइस आपके लिए सिर्फ और सिर्फ मेड इन यूएसए के 15,000 रुपये के गाइस ये आपको मिल जाएंगे 15,000 रुपीज़ में। आप बॉस के मेड इन यूएसए, ठीक है जी, तो ये मेड इन यूएसए पे आपको मिल जाएगी लक्कड़ बॉडी और 15,000 रुपये पे आप हमसे परचेज कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट नंबर मैं आपको बता ही दे रखा है, बाकी ये फिर भी बता दें 9310741161। ठीक है जी, और ऐसी गाइस इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हम अपने यूट्यूब चैनल फिकर बाबा पे आपके लिए लाते रहते हैं। तो ऐसी वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल फिकर बाबा को सब्सक्राइब करें। ठीक है जी, और अब मिलते हैं गाइस किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।